नमस्कार दोस्तों, एलोरा अजंठा सीरीज के इस वीडियो में हम एलोरा की गुफा नंबर 11 जो दो ताल नाम से प्रसिद्ध है इसके बारे में बात करते हैं। ताल मतलब मंजिल या अंग्रेजी में फ्लोर। जब यह गुफा आइडेंटिफाई हुई तब इसके ऊपर के दो मंजिल ही दिखाई देते थे, इसलिए तब इसे दो ताल नाम दिया गया। 1876 में जमीन में मिट्टी के अंदर दबे इसके तीसरी मंजिल यानी कि ग्राउंड फ्लोर का पता चला और यह केव नंबर 11 तीन मंजिला हुई, लेकिन फिर भी अभी तक इसे दोताल के नाम से ही पहचाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस दोताल के नाम से प्रसिद्ध एलोरा की केव नंबर 11 को देखते हैं। केव नंबर 11 के सामने ही हमें विस्तीर्ण आंगन दिखाई पड़ता है और इस बड़े से आंगन से तीन मंजिला आधुनिक पिलर टेक्निक जैसे दिखने वाली केव नंबर 11 का बड़ा सा विस्तार दिखाई पड़ता है। इतनी बड़ी संरचना देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। केव के सामने वाला दिखाई देने वाला खाली आंगन का पूरा एरिया पत्थर को काटकर और हटाकर खाली किया गया है। केव नंबर 11 यानी दोताल केव में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में एक छोटी सी केव बनाई दिखती है। इसमें जमीन के अंदर पानी की एक टंकी और अनेक आकर्षक मूर्तियां बनाई दिखती है। सामने ही सिंहासन पर पद्मासन पर बैठी मूर्ति शायद हाथ में फूल या वज्र लिए पद्म पानी या वज्र पानी की हो सकती है। इस मुख्य मूर्ति के राइट साइड में अन्य देवियों के साथ एक पांव नीचे रखे चार भुजाधारी देवी को दर्शाया गया है। मुख्य मूर्ति के लेफ्ट साइड में भी एक चार भुजाधारी देवी है और साथ में ही दीवार पर अनेक चार भुजाधारी देवी की मूर्तियां नजर आती है। इन सभी मूर्तियों के बाजू में ही दीवार के अंदर एक बहुत ही आकर्षक मूर्ति पद्मासन में बैठी दिखती है। इस मूर्ति का सिर पूरी तरह से नष्ट किया गया है। इस मूर्ति के पीछे और अन्य चार मूर्तियां खड़ी हुई दिखती है। इस छोटी सी गुफा से मुख्य गुफा नंबर 11 का दिखाई देने वाला एंगल काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। अब हम दोताल नाम से प्रसिद्ध मुख्य गुफा को देखते हैं। एलोरा की केव नंबर 11 यानी के दोताल नाम की गुफा के निचले तल में भगवान बुद्ध सहित अनेक मूर्तियां बनी हुई है। निचले तल की कारीगरी कुछ उबड़ खाबड़ सी लगती है। गुफा के एक साइड में ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां खोदी गई है। इस सीढ़ियों से हम दूसरी मंजिल पर आते हैं। दूसरी मंजिल पर आते ही सीढ़ियों के पास वाली दीवार पर ही अनेक भुजाधारी देवियों की कुछ आकृतियां उकेरी गई है। मूर्तियों को दो से ज्यादा हाथ दर्शाना देवत्व का प्रतीक होता है। चार हाथ यानी कि मनुष्य से ज्यादा ताकत या पावर इनके पास है यह दर्शाता है। सीढ़ियों के पास ही दीवार में एक कमरा खोदा गया है। इस गुफा के इस मंजिल पर ऐसे तीन और कमरे हैं। इस पहले कमरे में तथागत बुद्ध पद्मासन में बैठे दिखते हैं। बुद्ध का एक हाथ भूमिस्पर्श मुद्रा में और दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में है। बुद्ध मूर्ति के नीचे हाथ में खीर का पात्र लिए एक महिला खड़ी हुई दिखाई देती है। यह सुजाता है। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान के लिए बैठे थे तब सुजाता नाम की महिला ने उन्हें खीर खाने को दी थी। यह घटना इस दृश्य में दर्शाई गई है। बुद्ध मूर्ति के दोनों ओर बोधिसत्व मंडल है। कमरे के लेफ्ट साइड की दीवार के पिछले साइड में धन के देवता जाम्भाला बैठे हैं। इनके हाथ में एक जाम्बूल जैसा फल है। इसी फल के कारण शायद इनका नाम जाम्भाला पड़ा। नीचे धन की पोटली से सिक्के बरस रहे हैं। बगल में जाम्भाला का वाहन आदमी हाथ जोड़े बैठा है।
बोधिसत्व मंडल में बुद्ध मूर्ति के बाईं ओर सबसे निकट वज्रपाणि और दाईं ओर अवलोकितेश्वर सबसे निकट खड़े हैं। तीन की जोड़ी में खड़े हुए बोधिसत्वों में मध्य में तलवार हाथ में लिए खड़े बोधिसत्व सिर चक्र अथवा सुरंगमा है। इनके राइट साइड में मुकुट में चैत्य धारण किए मैत्री ही है और उनके लेफ्ट में कमल पर किताब रखे हुए मंजुश्री दिखाई देते हैं। बुद्ध मूर्ति के नीचे सुजाता की मूर्ति के सामने हमें चार हाथ वाले हैप्पी मैन की मूर्ति दिखती है। इस दूसरे मंजिल में हमें बड़ा सा कॉरिडोर दिखाई देता है। लंबे से कॉरिडोर की बाहर की तरफ अनेक पिलर बनाए गए हैं और अंदर की तरफ गुफाओं में बुद्ध प्रतिमाओं के साथ साथ अनेक बोधिसत्वों और अनेक देवियों की मूर्तियां दिखाई देती है। इस गुफा में ज्यादा आकर्षक और बारीकी से नक्काशी की हुई नहीं दिखाई देती है। सीढ़ियों से हम इस गुफा की तीसरी यानी सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जहां सीढ़ियां खत्म होती है वहीं पर दीवारों में हमें अनेक अजीब तरह के होल्स दिखाई देते हैं। ये होल्स शायद रस्सियां बांधने के लिए बनाए होंगे। इन रस्सियों को पकड़कर यहां की कठिन सीढ़ियां बारिश के दिनों में चढ़ने उतरने में सहायता होती होगी। इस गुफा की तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल से भी भिन्न है। तीसरी मंजिल पर भी एक बड़ा सा कॉरिडोर है और बाहर की ओर अनेक पिलर्स है। इन पिलर्स पर एक जैसी डिजाइन दिखाई देती है। यह सिमेट्री का अच्छा उदाहरण है। दूसरी मंजिल पर अंदर की तरफ कमरे बनाए गए थे पर तीसरी मंजिल पर पूरे गुफा में एक ही बड़ा सा हॉल खोदा गया है जो गुफा के कॉरिडोर के एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैला हुआ है। इस हॉल के दीवारों पर अनेक बुद्ध मूर्तियां और अन्य अनेक मूर्तियां बनाई गई है। इस बड़ी सी गुफा के अंदर भी ज्यादा नक्काशी नहीं दिखाई देती है। पूरी केव देखने पर यह तीसरी मंजिल की केव एक अधूरा निर्माण है ऐसा लगता है।
तो दोस्तों ये थी दोताल गुफा यानी कि एलोरा की केव नंबर 11। आपको वीडियो में दी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल घूमियो झूमियो को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एलोरा अजंता की अगली सीरीज के वीडियो में। धन्यवाद।